हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैं सट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, अलजेब्रा ट्रिक्स ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो अपन लोगों को माइनस वाला साइन लेना, माइनस लेना, ठीक है। और जब ये स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना अपनों को, पी स्क्वायर माइनस टू वाला फार्मूला लगाना, ठीक। अब पी का मान क्या हो जाए दोस्तों? ये यहाँ जो भी संख्या होगी वो पी का मान होगा, यानी कि फोर। तो फोर का स्क्वायर माइनस टू, फोर का स्क्वायर कितना होगा? चार चौक सोलह माइनस दो, सोलह में दो के कितने बचे? चौदह। सी ऑप्शन मैच कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर तीन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे माइनस चिन्ह दे रखा है और यहाँ पे प्लस चिन्ह दे रखा है आपको, तो अपने वाला प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। एक माइनस एक प्लस हो तो प्लस वाला चिन्ह लगाएंगे अलजेब्रा। अब दोस्तों स्क्वायर है तो पी स्क्वायर प्लस टू वाला फार्मूला लगेगा। पी का मान दोस्तों ये संख्या होगी, यानी कि तीन, तो तीन का स्क्वायर प्लस टू, तीन का स्क्वायर कितना होगा? तीन तिया नौ, नौ प्लस टू, नौ दो कितना हो जाएगा? ग्यारह। तो सी ऑप्शन पर मैच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वन पॉइंट फाइव पे तो एक्स क्यूब प्लस वन पॉइंट एक्स क्यूब क्या मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे दो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन और ये पावर थ्री फोर फाइव सिक्स तक हंड्रेड तक पावर दे रखी है। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो अपन माइनस वाला साइन लेंगे। तो क्यूब है तो फार्मूला लगेगा पी क्यूब माइनस थ्री पी वाला। अब पी का मान दोस्तों ये संख्या होगी, यानी कि पाँच माइनस थ्री इंटू पाँच, पी का मान क्या होगा? पाँच। पाँच का क्यूब कितना होगा? एक सौ पच्चीस और पाँच तरी पंद्रह, एक सौ पच्चीस को पंद्रह गए तो कितने बचे? एक सौ दस। तो डी ऑप्शन अपना मैच करिए। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर फोर है तो एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर का मान क्या होगा? दोस्तों अपनों ये मालूम है कि जब यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो अपन माइनस वाला साइन लेंगे, ठीक। जब यहाँ पावर फोर है तो इस फोर पावर को अपन दो भाग में तोड़ेंगे, टू इंटू टू, ठीक है, दो दूनी चार। पहले टू पावर सॉल्व करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसका फिर टू पावर लगाएंगे। तो टू पावर लगाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस टू वाला फार्मूला लगेगा। पी का मान दोस्तों फोर हो जाएगा, तो फोर का स्क्वायर माइनस टू, चार चौक सोलह माइनस दो, यानी कि चौदह। अब ये चौदह फिर अगले के लिए फिर होगा, पी हो जाएगा। तो फिर पी स्क्वायर माइनस टू, यानी अब पी का मान क्या हो जाएगा? ये चौदह हो जाएगा। तो चौदह स्क्वायर माइनस दो, तो चौदह चौदह एक सौ छन्नी माइनस टू वन नाइन्टी फोर, वन नाइन्टी फोर। डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वन एक्स तीन है, फाइव पावर, अब इसका आंसर क्या होगा? देखो और यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला साइन लेना। अब पाँच पावर है तो थ्री या टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री। अब इसमें टू प्लस थ्री, तो अब प्लस थ्री का मतलब क्या? इसका मतलब पहली इक्वेशन इनटू इसका मतलब दूसरी इक्वेशन होगी,
इन दोनों का गुणा करके यही 3 माइनस किया जाएगा, इन दोनों का गुणा करके ये 3 माइनस किया जाएगा। अब ये क्या होता देखते हैं, ये पहली इक्वेशन है। अब कैसे बनेगी देखो, तो स्क्वायर 2 पावर से, तो 2 पावर मतलब क्या होगा, ये यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2 पावर, पी का मान दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 माइनस 2 यानी कि कितना बना 7, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। तो यहाँ आप लोगों ने 7 लिख दिया। अब 2 बनाएंगे, अब 3 पावर लगा के बनाएंगे, कितनी पावर से, 3 पावर से, तो इसका मान 3 हो जाएगा, तो पी क्यूब माइनस 3 पी, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस 3 तिया 9 कितना बच्चा 18, तो ये 18 यहाँ आ जाएगा, तो 18 सत 126 माइनस 3 और 126 में से 3 गए तो 123 इसका आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन अपना मैच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा और x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा। तो दोस्तों जो 100 पावर हो तो अपन कैसे तोड़ेंगे इसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखना है कि 2 कैसे बना। अगर x यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि इस x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो देखते हैं, यहाँ अगर 1 रख दिया 1/1 तो 1 ने कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये x की पावर कितना होगा 1 की पावर 100 हो जाएगी प्लस 1/1 की पावर 100 हो जाएगी, तो 1 की पावर 100 का मतलब क्या होगा 1 होगा, और यहाँ 1/1 मतलब 1 ही होगा, तो 1 ने 2, ये इसका आंसर, तो प्लस 2 इसका राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।